हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं BBS वर्सेस BYS के बीच में जो ECS T10 क्रेफिल्ड सीरीज का जो ये मैच होने वाला है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों इस मैच से रिलेटेड पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कौन से प्लेयर BBS के टीम के तरफ से आपको टीम के टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, कौन से प्लेयर दोस्तों BYS के टीम के तरफ से दोस्तों टीम के टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे, सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको कंप्लीट दो ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और किसे आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अपने टीम के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा, तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको मिल पाए और आप इस मैच के अंदर बेहतर से बेहतर ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम बना पाओ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का आपको इसी प्रकार वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिलता है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो हमें लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करें भाइयों। और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। देखो यहाँ पे ना आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके सामने शो हो जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन करना ज़रूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलेगा। अगर कोई भी चेंजेस होता है हमारी टीम में, कोई भी बदलाव आता है तो हमारा फाइनल टीम आपको यहीं पे शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जहां आप कमेंट करते हैं ना, पहला कमेंट में मैंने आपको लिंक पिन कर दिया है, आप आसानी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टेट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो इस सीरीज के सारे मैचेस दोस्तों एक ही ग्राउंड पे हो रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा सारे मैचेस इस ग्राउंड पे हो रहे हैं। टाइमिंग की बात करेंगे तो 4:00 पहला मुकाबला होगा, दूसरा मैच 6:00 आपको देखने को मिलने वाला है। पिच कंडीशन की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ का जो पिच की बात किया जाए तो आपको पता ही होगा कि एक बैलेंस पिच है, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के सपोर्ट मिलता है। आर्टिफिशियल यहाँ पे विकेट है दोस्तों, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बैलेंस पिच है, 100 रन के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर देखने को मिलने वाला है। इस सीरीज में अभी तक दोस्तों 16 मैचेस हो चुके हैं इस ग्राउंड पर, जहाँ पे देखोगे तो 7 मैचेस फर्स्ट बैटिंग टीम ने विन करा है और चेजिंग करते हुए 9 मैचेस विन किया गया है। और कल के अगर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे कल के जो 4 मैचेस हुए थे, चारों के चारों यहाँ पे दोस्तों चेजिंग करते हुए जीता गया था। और यही कारण है कि आज बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भी टीम टॉस जीतेगा सबसे पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले सकता है। चलिए अब BBS की टीम की बात करते हैं, तो अभी तक 6 मैचेस BBS की टीम ने खेला है, 2 मैचेस जीता है और 4 मैच लॉस करते हुए आए दोस्तों। बॉर्न ब्लू स्टार का टीम के बारे में बात करेंगे तो, लेकिन SYS की टीम की बात करेंगे, इन्होंने 6 मैच के अंदर 3 मैच जीता है और 3 मैच लॉस किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों ही टीम काफ़ी मजबूत टीम है। चलिए अब बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले BBS की टीम की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद सफीउल्लाह कदीम खेलते हुए नजर आएंगे, जो टीम के आपको ओपन करते हुए दिखने वाले हैं। पहले मैच के अंदर 22 रन, फिर 6 रन, इसमें कोई विकेट नहीं मिला लेकिन बॉलिंग करा था। इस सीरीज के अंदर देखोगे तो एक ही मैच ऐसा है जहाँ पे इन्होंने बॉलिंग करा था, फिर थर्ड मैच में दोस्तों 7 रन, फिर 11 रन, फिर 14 रन और लास्ट मैच के अंदर 49 रन स्कोर करा है। ध्यान रखना ये जो प्लेयर है टीम के आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, बढ़िया पिक रहेगा दोस्तों, आप इनके साथ जा सकते हैं। ज़ाहिर अब्बास ये भी टीम के ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 20 रन, फिर 6 रन, फिर 2 रन, फिर 1 रन, 1 रन और लास्ट मैच के अंदर 22 रन स्कोर कराया है। तो ये भी टीम के ओपन करेंगे, ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। हारून खान फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे दोस्तों, पहले मैच के अंदर 9 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला था, यहाँ पर 29 रन खर्च किए थे 2 ओवर की गेंदबाजी में, फिर 49 रन बनाए थे, इसमें 1 विकेट निकाला है, फिर 9 रन, इसमें कोई विकेट नहीं मिला, फिर 8 रन प्लस 1 विकेट, फिर 11 रन प्लस 1 विकेट, फिर 9 रन प्लस 1 विकेट। ओवरऑल देखोगे तो इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है, फर्स्ट राउंड पे बैटिंग के साथ साथ 2 ओवर तक गेंदबाजी भी करते हैं और इन्हें अपने टीम के अंदर जरूर ट्राई करना। आज़ाद महमूद की बात करेंगे दोस्तों, ये टीम के सेकेंड राउंड पे खेलेगा, पहले मैच के अंदर 24 रन बनाए थे, इसमें 21 रन खर्च किए थे लेकिन कोई विकेट इनको नहीं मिला था, फिर 25 रन बनाए दोस्तों, फिर यहाँ पे 17 रन बना के 1 विकेट निकाले हैं, फिर 33 रन, इसमें 2 विकेट चटकाए थे, फिर 7 रन प्लस 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो 2 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं निकाल पाया था। ओवरऑल देखोगे तो 89 रन प्लस 8 4 विकेट निकाल चुके हैं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, तो ये भी आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा।
बाकी करणजीत ब्रार जो कि टीम में दो मैचेस खेला है, पहले मैच के अंदर 24 रन फिर यहाँ पे 0 रन, इनका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, दो ही मैचेस खेला है। और वहीं अगर आप बात करेंगे नईम अख्तर के बारे में, टीम का थर्ड डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 10 रन फिर 1 रन फिर 2 रन, पूरे टूर्नामेंट के अंदर 13 रन स्कोर करा है। विक्रमजीत की बात किया जाए, 4 नंबर पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 5 रन बना के 1 विकेट निकाले थे, फिर 4 विकेट, फिर 16 रन में कोई विकेट नहीं मिला, फिर 58 रन स्कोर करा है। फोर्थ राउंड पे खेलेंगे, ओवरऑल देखोगे तो 79 रन बना के 5 विकेट पूरे टूर्नामेंट के अंदर निकाल चुके हैं। बाकी कमरन यास की बात करेंगे, 5 नंबर पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 18 रन फिर या फिर 13 रन स्कोर करा है, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। फार्मूला की बात किया जाए दोस्तों, पहले मैच के अंदर 2 विकेट फिर 3 विकेट फिर 2 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर भी 1 विकेट निकाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो प्लेयर है ना, अभी तक एक भी मैचेस ऐसा नहीं गया है जहाँ पे विकेट इनको ना मिला हो। बढ़िया गेंदबाज है, अच्छे विकेट्स निकालते हैं दोस्तों, पूरे टूर्नामेंट के अंदर विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों इनका गेंदबाजी अभी तक सक्सेस साबित हुआ है, सफलता हर एक मैचेस के अंदर इनको मिला है। राणा सिंह पहले मैच के अंदर 3 विकेट निकाले हैं दोस्तों, फिर 1 विकेट फिर यहाँ पे 2 रन प्लस 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा था लगातार मैच में तीनों मैच के अंदर, फिर यहाँ पे राजविंदर सिंह को ड्रॉप करना। सब्बीर अली पहले मैच के अंदर 20 रन प्लस 2 विकेट फिर 3 रन प्लस 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाले हैं, ये आपको 2 ओवर तक कन्फर्म गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे दोस्तों। बाकी आलम साहब फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 18 रन स्कोर करा है और लास्ट जो खिलाड़ी रहने वाले हैं फरहान सौगात, जो इनको ड्रॉप कर सकते हैं, जो 5 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए 1 रन बनाए थे। देखो ये रिकॉर्ड है BBS का, ठीक है, जो आप देख रहे हो सारे प्लेयर्स का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बैटिंग ऑर्डर के साथ। आप जिनको बैटिंग ऑर्डर देखना चाहते हैं, आप जिनका बैटिंग ऑर्डर देखना चाहते हैं दे सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग आप प्लेयर्स को चाहो तो ट्राई कर सकते हो अपनी टीम के अंदर। लेकिन BYS की बात कर लेते हैं, देखो मोहम्मद आसिफ जो टीम के कैप्टनसी का रोल करेंगे BYS के टीम के तरफ से, ये टीम के ओपन करने के लिए आते हैं। पहले मैच के अंदर 11 रन स्कोर करा था, फिर 3 रन प्लस 1 विकेट, फिर 24 रन स्कोर करा था इसमें कोई विकेट नहीं मिला था, फिर 7 रन इसमें भी कोई विकेट नहीं मिला, फिर यहाँ पे 15 रन स्कोर करा था इसमें 4 रन खर्च किए थे, 2 ओवर की गेंदबाजी में कोई भी विकेट इनको नहीं मिला था, फिर 4 रन बनाए थे। ओवरऑल देखोगे तो 54 रन प्लस 1 विकेट निकाले हैं। वकास फतेह में टीम के ओपन करेंगे, पहले मैच के अंदर 37 रन स्कोर करा था, फिर 27 रन बनाए हुए हैं, फिर 27 रन फिर 0 फिर 4 और लास्ट मैच के अंदर अगर आप देखते हैं तो 49 रन स्कोर करा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये टीम के आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, लगातार हर एक मैचेस के अंदर ये बंदा ओपन करते हुए देखा गया है। बाकी अर्थलन की बात किया जाए, ये टीम के फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 9 रन स्कोर करा था, फिर 22 रन बनाए हैं, फिर 4 रन फिर 26 रन फिर 7 रन फिर 11 रन, ओवरऑल देखोगे तो अभी तक 80 रन बना चुका है। बाकी यहाँ पे साजिब खान की बात करेंगे, टीम के सेकेंड राउंड पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 13 रन स्कोर करा था, फिर 13 रन फिर 45 रन 27 रन फिर यहाँ पे 6 रन, ओवरऑल 104 रन बना चुके हैं दोस्तों। टीम का सेकेंड राउंड का बैट्समैन है, हर एक मैच में बढ़िया खेला है, लेकिन लास्ट मैच के अंदर देखोगे तो 6 रन पे आउट रहा था। हुमायूं भट्ट टीम के थर्ड डाउन पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 10 रन फिर 29 रन फिर 7 रन फिर या फिर 21 रन स्कोर करा है। जकीरुल्ला की बात करेंगे तो 5 नंबर पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 6 रन बनाए थे कोई विकेट नहीं मिला, फिर 15 रन प्लस 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर फ्लॉप रहा था, फिर 18 रन प्लस 1 विकेट और लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाले हैं। ओवरऑल देखोगे तो 2 ओवर कन्फर्म गेंदबाजी करता है BYS के टीम की तरफ से, ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फैजल को ड्रॉप करना, इनका रिकॉर्ड उतना बेटर नहीं है। अल्ताफ अहमद की बात किया जाए तो पहले मैच के अंदर 2 विकेट फिर 1 रन इसमें कोई विकेट नहीं मिला था, फिर 1 विकेट फिर 2 रन प्लस 2 विकेट निकाले हैं। ये टीम के दोस्तों BYS के टीम की तरफ से बेहतरीन और इंपॉर्टेंट गेंदबाजियों में से एक है। गौहर सुल्तान ये पहले मैच के अंदर 1 विकेट फिर फ्लॉप रहा था दोस्तों, 2 मैचेस खेला है, दोनों मैच के अंदर देखोगे पहले मैच में इनको विकेट मिला है, दूसरे मैच में नहीं मिला। राजभूषण की बात करते हैं तो पहले मैच के अंदर फ्लॉप रहा था, फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहा है, लेकिन ये भी 2 ओवर तक कंफर्म गेंदबाजी करेंगे। ताहा हसन 4 नंबर पे खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 18 रन स्कोर करा था कोई विकेट नहीं मिला, फिर 3 विकेट फिर 10 रन प्लस 1 विकेट फिर यहाँ पे 10 रन प्लस 4 विकेट फिर यहाँ पे 12 रन स्कोर करा, लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहा है। लेकिन ये खिलाड़ी ये मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करेंगे, 4 नंबर पे लगभग बैटिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन ये 2 ओवर तक कंफर्म गेंदबाजी करेंगे और इस वजह से ये सेफ प्लेयर में से शामिल है, ठीक है। बाकी जिया मसूद की बात करेंगे, ये 5 नंबर पे खेलते हैं, पहले मैच के अंदर 0 रन फिर 1 रन फिर यहाँ पे 0 रन, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। ताहा खान ये पहले मैच के अंदर फ्लॉप रहा था, दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप रहा है, फिर 2 विकेट और लास्ट मैच के अंदर फ्लॉप रहा है। मुस्तफ़ा ये 1 ओवर की गेंदबाजी में 16 रन खर्च किए थे, कोई विकेट नहीं मिला है। बाकी बसरत अहमद जो कि यहाँ पे 1 ही मैचेस खेला है, 5 नंबर पे बैटिंग करते हुए 1 रन स्कोर करा था, कोई विकेट नहीं मिला इनको, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। देखो
ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है BBS और BYS का, ठीक है। सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा। जो भी आपको बेटर लग रहा हो स्टैट्स को फॉलो करते हुए, बैटिंग ऑर्डर को नज़र में रखते हुए दोस्तों, आप यहां से चाहे ना तो आप खुद भी टीम बना सकते हो। ध्यान रखना, आप खुद से टीम बनाए दोस्तों, तभी आपको समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको चेंजेस करना है। वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, मेरे टीम से अगर आप चाहे ना दोस्तों तो 8 से 9 खिलाड़ियों को सेम रख सकते हैं, लेकिन 1 से 2 खिलाड़ी अपने साइड से ज़रूर चेंज करें। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर में जो कि जेट अब्बास बेस्ट रहेंगे, जो BBS के टीम की तरफ से ये खेलते हुए नजर आएंगे, और यहाँ एक रहने वाले हैं एस खान। दोनों के दोनों बढ़िया प्लेयर हैं, टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलने के लिए आते हैं। बैटिंग ऑर्डर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है दोस्तों, मैं फिलहाल एस खान को ट्रैक करूंगा, इनका रिकॉर्ड बेटर है। बैटिंग में देखते हैं तो 3 बैट्समैन को मैंने ले रखा है, ए मोहम्मद बेस्ट रहेगा दोस्तों, डब्ल्यू फतमी को मैं ट्राई करूंगा, एम असीफ। ये जो 3 बैट्समैन है जो बैटिंग सेशन में आपको अपने टीम के अंदर रखना है, जो बढ़िया प्लेयर रहने वाले हैं, तीनों को जरूर पिक करना, ठीक है। ऑलराउंडर में देखते हैं दोस्तों, तो मैंने 3 ऑलराउंडर को ले रखा है, जिसमें से एम सैफुल्ला बेस्ट रहेंगे, एच खान को मैंने ट्राई करके रखा है, और यहाँ पे आर भूसान जो कि आपके लिए शानदार पिक रहेगा। ये जो 3 ऑलराउंडर प्लेयर है जो बैटिंग तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे, और इस वजह से तीनों ये ऑलराउंडर प्लेयर आपके टीम में होना मस्ट है दोस्तों, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट्स देंगे। बाकी जो ग्रैंड लीग के टीम क्रिएट करना चाहते हैं, जो थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा हट के टीम क्रिएट करना चाहते हैं, तो एस अली का रिकॉर्ड आपने देखा है, बेहतरीन प्लेयर में से एक है दोस्तों, इनको ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे ए अहमद के साथ भी आप जा सकते हो ग्रैंड लीग के लिए, याद रखना ओनली ग्रैंड लीग प्लेयर, ठीक है। बाकी बॉलिंग में चेक करते हैं तो मैंने 4 इंपॉर्टेंट बॉलर को ले रखा है, अभिजीत बेस्ट रहेगा, टी हसन को मैंने ट्रैक करके रखा है BBS के टीम के तरफ से, इनका भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है दोस्तों, और यहाँ पे जेड असमारी को मैं ट्राई करूंगा, ये भी टीम के बेहतरीन बॉलर है दोस्तों। अगर आप चाहें तो ग्रैंड लीग के अंदर आप आर राणा सिंह को भी ले सकते हैं, इनका सिलेक्शन कम है, लेकिन याद रखना ये भी 2 ओवर तक कन्फर्म गेंदबाजी करते हैं। अब रहा टीम प्रीव्यू की बात, तो कुछ इस प्रकार मेरा टीम है रहेगा, जिसमें से कैप्टेंसी की बात करेंगे तो ए मोहम्मद सबसे बेस्ट कैप्टन में से रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे एच खान बेस्ट कैप्टन से मेरे से रहेंगे, बाकी ए मोहम्मद को मैं वाइस कैप्टेंसी के लिए ट्राई करूंगा, जो सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से लग रहा है, ठीक है। आप अपने साइड से चाहें तो 1-2 प्लेयर जरूर से जरूर चेंज करें। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिला होगा मेरे दोस्तों। इस वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिला है तो वीडियो को एक लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले और भी मैचेस का वीडियो आपको इसी प्रकार मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।